हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं IRDA और RBI ग्रेड बी की जॉब। आप बोल रहेंगे ये तो कौन सा कंपैरिजन हुआ, RBI और ऊपर से ग्रेड बी, तो फिर क्या क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जॉब अच्छी है? ऐसा नहीं है, कंपैरिजन तो देखिए वहीं बनता है जहां कुछ चीजें समान हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? दोनों रेगुलेटरी बॉडी हैं, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। कोई क्लाइंट फेसिंग जॉब नहीं है दोनों में, क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं कर रहे हैं। ना तो IRDA में कोई कस्टमर अपना ट्रांजेक्शन करने आता है, ना रिजर्व बैंक में। कस्टमर तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, रिजर्व बैंक के कस्टमर बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसी तरीके से IRDA के भी कस्टमर है। कौन वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको IRDA रेगुलेट करता है? इन जॉब में कोई बिजनेस टारगेट नहीं होते हैं, बिकॉज ये क्या है, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम है मार्केट में बिजनेस को रेगुलेट करना, ना कि खुद बिजनेस करने बैठ जाना। सैलरी बहुत हाई है, बहुत डिटेल में हमने इस पे मल्टीपल वीडियो बनाए हैं, और पर्क्स भी बहुत हाई हैं। इनफैक्ट ग्रेड ए में तो जो IRDA में मिलता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिल नहीं रहा है, अगर आप पर्क की बात कर लें तो। फिर कौन सी जॉब ज्यादा अच्छी है, ये चीजें तो कॉमन थी, अब डिफरेंस की बात करते हैं। RBI में ऑफकोर्स प्रेस्टीज है, रेपुटेशन है। अगर आप RBI में जॉब करते हो, किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा कि आप कहां नौकरी करते हो। IRDA का तो फुल फॉर्म नहीं पता लोगों को। आप जो वीडियो देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ, उसमें से 30% लोग IRDA का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। आप खुद सोच के देखो, रेपुटेशन मैटर करती है। अभी हमें ऐसा लगता है कि केवल सैलरी मैटर करती है। एज यू विल ग्रो इन द करियर यू विल रियलाइज कि जो प्रेस्टीज है जहाँ आप काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की नाम की भी बहुत वेटेज है। लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी, मैं गूगल में काम करता हूँ, मैं एप्पल में काम करता हूँ, ऐसे ही मैं भारत सरकार में काम करता हूँ या RBI में काम करता हूँ, IRDA या NABARD लोगों को पता नहीं होता है। सैलरी क्योंकि ये ग्रेड बी है, ग्रेड बी होने की वजह से सैलरी ज्यादा होगी, अदरवाइज पक्ष तो IRDA में जबरदस्त है। ऑल इंडिया ट्रांसफर, अब ये पॉइंट अगर आप देखें, यहाँ पर है नो ट्रांसफर, यहाँ पर है ऑल इंडिया पोस्टिंग, क्योंकि RBI के करीब 30 ऑफिस हैं, मोस्टली स्टेट कैपिटल में है, कोई रूरल पोस्टिंग नहीं है। बट हर 5 साल में आपका हो गया ट्रांसफर। बॉम्बे में ज्यादा रुक सकते हो, करीब 12-13 साल रुक जाते हैं, लेकिन कई लोगों को पसंद ही नहीं है ऑल इंडिया जाना। एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है, रेगुलेटर तो है लेकिन RBI साथ में सेंट्रल बैंकिंग का फंक्शन है जो बहुत यूनिक है, जिससे आपको यहाँ पे ना ऑपरेशंस रिलेटेड काम भी करने पड़ जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंकिंग कौन करेगा, तो RBI करेगा। वो आपको ऑपरेशंस भी काम करना है, टीम मैनेज करनी है, करेंसी नोट्स का जो मैनेजमेंट करना है, वो काम बहुत यूनिक है यहाँ पे। तो आप केवल रेगुलेशन नहीं बोल सकते, रेगुलेशन कर रहा है RBI बैंकिंग सिस्टम का, पेमेंट सिस्टम का, लेकिन काम कर रहा है देश के केंद्रीय बैंक के रूप में। ये एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो इसी वजह से RBI में एक तो बहुत बड़ा रेगुलेटर है, मल्टीपल टास्क है RBI के पास, और दूसरा सेंट्रल बैंकिंग का काम भी है। बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, अगर स्टाफ की बात करें यहाँ पर है 13,000, तो आप समझ सकते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट, मल्टीपल ऑफिस, डाइवर्स रोल करने को मिलेंगे आपको। अब यहाँ देखो आप 250 का स्टाफ है, वो भी जब आप पहुंच जाओगे, मैं मान के चल रहा हूँ, तब 250-350 स्टाफ हो जाएगा, आपको लगेगा आप IRDA में बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि भाई छोटी सी टीम में आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो देश के इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। स्पेशलाइज्ड रोल है इंश्योरेंस सेक्टर में, अगर आपको काम करना है ना, तो ये काफी स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गया। RBI में ना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट अभी काम कर रहे थे कैश मैनेजमेंट का, उसके बाद आपको भेज दिया RPCD फाइनेंशियल इंक्लूजन, और उसके बाद तीसरी पोस्टिंग कर दी आपकी बैंकिंग सुपरविजन में, और उसके बाद आपके सेंट्रल ऑफिस, उसके बाद आपको DIT में डाल दिया। आपको मालूम नहीं 15 साल काम करने के बाद या 20 साल काम करने के बाद कि आप एक्सपर्ट किस चीज के हो, ऐसा RBI में होता है। मोर लाइक ए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट वाला है, बट मैनेजमेंट वाला काम है यहाँ पे। इधर क्या है, आप इंश्योरेंस में एक्सपर्ट बन जाओगे। कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे डीप नॉलेज हो, एक सब्जेक्ट पे पकड़ो, और एक्चुअल में आज जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है ना, सुपर स्पेशलाइजेशन की वैल्यू बढ़ रही है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो फास्ट प्रमोशन की। उम्मीद क्या, एक्चुअल में रियलिटी है। अगर आप देखोगे इधर 7 साल लग रहा है अभी ग्रेड बी से ग्रेड सी बनने में RBI में, और यहाँ पे तो 3-3 साल में लोग ग्रेड बी बन जाएंगे, उसके बाद कैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। वर्क प्रेशर RBI से तो यहाँ पे मैं कम मानूंगा, किसी एक डेस्क पे पर्टिकुलरली आपको हो सकता है, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन RBI के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिस्टम प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो रखे हैं, कई सारे डिपार्टमेंट में आपको ऑपरेशंस में काम करना पड़ता है। RBI में एज सच कोई बहुत ग्रेट वर्क प्रेशर नहीं है, मे बी एक्सेप्शनली किसी किसी डेस्क पे हो जाएगा, अदरवाइज RBI इज ए वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस, और यहाँ पे तो उससे भी बेटर है। हैदराबाद रहना है, ट्रांसफर नहीं चाहिए, तो भाई RDI बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब आप बताओ मुझे,
कंपैरिजन हुआ कि नहीं। आप अपने कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब तक मैं आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझूंगा तो मालूम नहीं कुछ बात काम की है या नहीं। कंपैरिजन तो मेरे हिसाब से बनता है। अब बेटर क्या है? बेटर तो आपको बताना पड़ेगा। हर आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट है। किसी को साउथ में रहना है, ऑल इंडिया ट्रांसफर नहीं चाहिए, किसी को स्पेशलाइज्ड काम करना है। जो डिफरेंस है, अगर तैयारी की बात करें तो ये इंश्योरेंस का ही डिफरेंस है, बाकी आपको तैयारी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि ये जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है, इनकी तैयारी एक साथ में करो। अगर आप मेरे से पूछोगे भाई क्या बेस्ट है, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बेस्ट है। जिस दिन आपके पास दो सिलेक्शन हो जाएंगे इनमें, आप हमको बात करना, वन ऑन वन मीटिंग कर लेंगे कौन सा आपके लिए बढ़िया रहेगा, और उस दिन आप चूज कर लेना। राइट नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, जम के तैयारी करो। IRDA के लिए अभी आपके पास टाइम है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We are here to make your job preparation 50% faster.